चलो बना लेते हैं मेरी दादी की ट्रिक से बढ़िया सा आंवला का अचार। अभी मैंने उनको कॉल करके पूछा था तो उन्होंने मुझे बताया कि आंवले को पहले तो अच्छे से धुल लो, उसके बाद सिर्फ 5 मिनट के लिए आपको बॉईल करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब उसके पोर्स जो रहते हैं वो खुलने लगें, अपने आप ही सेपरेट होने लगें उसके पीसेस। इस तरीके से आपको बॉईल कर लेना है और थोड़े से ठंडे पानी में निकाल के और इनके पीसेस को निकाल देना है और गुठली को एक साइड कर देना है। फिर तवा लेना, उसमें 1 चम्मच मेथी, मैंने लगभग 1 पाव आंवला लिया है, और 1 चम्मच कलौंजी दाना लेना है, 2 चम्मच सौंफ ले लेनी है, साथ में लेना है 1 चम्मच राई बड़ी वाली, और 1/2 चम्मच जीरा लेना है, 2 से 3 चुटकी हींग लेना है, और 3 चम्मच पीली वाली ये जो सरसों रहती है वो लेनी है। हल्का सा भून लेना है, मतलब थोड़ा सा उसका ड्राईनेस आ जाए, उसका जो भी मॉइस्चर है वो निकल जाए, उसके लिए अच्छे से मिक्स कर देना भून के और एक साइड रख देना ठंडा होने के लिए। उसके बाद आंवले लेना है, उसमें नमक आपको मिक्स कर देना, हल्दी मिक्स कर देना और लाल मिर्च नमक डालना आप 4 से 5 चम्मच। अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा देर के लिए रख देना, मतलब 2 से 3 घंटे के लिए इसको रेस्ट करने के लिए रख देना है, ताकि अच्छे से नमक और हल्दी मिर्च मिक्स हो जाए। उसके बाद हम अपने जो मसाले भुने हुए रखे थे उनको ले लेंगे, और वो भी ठंडे हो गए हैं तो उनको बिल्कुल दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे, मतलब बारीक भी कर लोगे तो भी चल जाएगा, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, हल्का सा दरदरापन रहे। और अगर आपको चाहिए तो पीली वाली सरसों मत करना, मतलब उसको सेपरेट भून लेना और उसको ऊपर से ऐसे ही डाल सकते हो। बाकी ये भुना हुआ जो पिसा हुआ मसाला इसको आप पूरा डाल देना, जितना मैंने रेशियो लिया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छे से मिक्स कर देना है पूरे मसाले में इसको, और थोड़ा सा डाल देना है रूम टेम्परेचर पर सरसों का तेल, जिसको करके रखना है पहले से गर्म, और जैसे ही रूम टेम्परेचर पर हो जाएगा तो आपको उसको इसके ऊपर डाल देना है। और अगर आप लहसुन खाते हो तो 1 कटोरी के लगभग लहसुन की कलियां लेना और उसको ग्राइंड कर लेना बारीक, और उसको भी इसके ऊपर डाल सकते हो। मैं खाती नहीं हूँ इसलिए मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे सिंपल आंवले का अचार ही अच्छा लगता है। अच्छे से मिक्स कर देने के बाद इसको प्लास्टिक या कांच की बोतल में भर के रख देना है। फिर आपको जैसे ही बर्तन में भरने के बाद एक ट्रिक यहाँ पर अप्लाई करना है, मतलब यहाँ मुझे बताया दादी ने कि थोड़ा सा तेल डाल देना 2 चम्मच के लगभग, और 1 चम्मच नमक ऊपर से डाल के और ढक के रख देना 3 से 4 घंटे के लिए, और फिर खाना तो बहुत अच्छा रहेगा, फफूंदी भी नहीं लगेगी, बहुत परफेक्ट बन के तैयार होगा। बाकी वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ट्राई करना, पसंद आएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।